तो गुड मॉर्निंग गाइस, रिपोर्टिंग फ्रॉम लेह विद द सेम होटल पीछे में देख रहे हो। तो आज हम लोग निकल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो पे बोला था, नुब्रा के लिए। तो यहाँ से नुब्रा लगभग 160 किलोमीटर अप्रोक्स है, और टाइम शायद जितना भी लगे हो जाएगा। रास्ता पे हम लोग को खारदुंगला मिलेगा, खारदुंगला टॉप, तो उन पर भी विज़िट करेंगे। तो बस ब्रेकफास्ट हो गया है, बस निकलना है, फ्यूल डालना है, उसके बाद मैं रेडी टू गो। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर पे रोड पे। और ब्रेकफास्ट एकदम तगड़ा वाला हो गया है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि खारदुंगला टॉप जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट बोला जाता था पहले, अभी तो उमलिंगला हो गया है, जो कि 19,300 पे है। फिर भी खारदुंगला हर कोई जाता नहीं है, तो जो गया वो बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए आप सभी से खारदुंगला पे रूबरू होते, आपको भी दिखाते खारदुंगला कैसा है, और हम भी देखते हैं, हम भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं खारदुंगला। तो निकल रहे हैं खारदुंगला की ओर, और हम लोग जो नुब्रा जा रहे हैं खारदुंगला होके ही जाएंगे। तो खारदुंगला यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर होगा, पर बहुत ही टॉप पे है, बहुत ही ऊंचाई पे है, लगभग 18,500 के आसपास है, 17,800 जो कि गुरुडोंगमार लेक था, जो खारदुंगला है वह 18,500 पे है। इसका वाइब दूसरा ही होगा, देखते हैं कैसा होगा। आपको और एक चीज़ बता दो, बोलना भूल गया, वो है ILP, मतलब इनर लाइन परमिट। आप जब बॉर्डर प्लेसेस पे जाते हो, जैसे कि नुब्रा बॉर्डर पे आता है, नुब्रा पैंगोन, तो उसके लिए आपको परमिट बनाना पड़ता है, ऑनलाइन बना सकते हो। अभी आपको DM ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, DC ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली ही बना सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। दो भाई जा रहे थे रास्ता पे और मिल गए बाइकर लोग, केरला टू कश्मीर। अच्छा, टू के राइडर सब है। तो ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर देखेंगे, यूट्यूबर नहीं, बाइकर, खारदुंगला पे स्पेशली बाइकर लोग बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। एक अचीवमेंट है बाइकर लोगों के लिए खारदुंगला अपने होम टाउन से राइड करके जाना, और वो हम लोग फुलफिल करेंगे ज़रूर। सो खारदुंगला पहुँचने से पहले एक साउथ पुल्लू बोल के जगह आता है, जो कि ये है, यहाँ पे शायद कुछ मिल जाए। हम लोग ने बस वाटर बॉटल कैरी करना भूल गया, वाटर फ्लास्क तो रखा हुआ है, बस पानी चाहिए, तो पानी तो पीना ज़रूरी है गाइस। पानी नहीं पिया इसीलिए सर चुपे फट गया था, अभी तो पानी तो ज़रूर पीना है। ये पुलिस चेक पोस्ट है साउथ पुल्लू, यहाँ पे गाड़ियाँ परमिट वगैरह चेक होती है। तो यहाँ पे परमिट चेक हो गया, गर्म पानी ले लिया, गर्म पानी पी भी लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं खारदुंगला टॉप की ओर, चलो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों खारदुंगला हम लोग पहुँच गए, अबे मालूम भी नहीं है हम लोग खारदुंगला पहुँच गए, बहुत ही खुशी की बात है। खारदुंगला इतना जल्दी खारदुंगला पहुंच गया, पता ही नहीं चला। बिलीफ नहीं हो रहा है, तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा है इतना जल्दी खारदुंगला पहुंच गए हम लोग। खारदुंगला इतना जल्दी पहुंचेगा सोचा नहीं था, पर पहुंच गए। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 9:29, तो 11:30 हो रहा है, 11:30 बजे खारदुंगला पहुंच चुके हम लोग का। हम लोग को जाना है नुब्रा, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, 100 से 120 होगा शायद। तो पी लेते थोड़ा गर्म पानी, फ़ोटो के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइन लगा हुआ है, तो आस्ते आस्ते करके जाएंगे और फ़ोटो ले लेंगे वहाँ पे।
खारदुंगला में सब कुछ है, खारदुंगला में एटीएम भी है खारदुंगला में एटीएम है, देख के हैरान हो जाओगे आप। और खारदुंगला में टॉयलेट है, बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन फैसिलिटी है, मेडिकेयर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। चलिए फ़ोटो खींच लेते, खारदुंगला के फ़ोटो नहीं लिया तो क्या लिया। ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एल्टीट्यूड वो हो जाएगा। फ़ोटो ले लिया, वीडियो ले लिया बहुत सारे, पीछे भी आप देख सकोगे शायद ही खारदुंगला दिख रहा है, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा हुआ, फ़ोटो वोटो ले लिया, इंस्टा से ले लिया, वीडियो बना लिया, बहुत मज़ा आया, अलग ही एक्सपीरियंस था। पता नहीं था कि इतना जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पर पहुंच गए, और वीडियो बहुत मस्त बना है, तो ज़रूर देखिएगा सारा वीडियो अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बस हो गया जी, खारदुंगला का भी ब्लू टिक हो गया खारदुंगला में। अब हम लोग जा रहे हैं नोपरा की ओर, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों, बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, भैया ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी पहुंच जाएंगे ले से, पर हो गया जो था अच्छा था। हालांकि खारदुंगला में हर समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, क्यों, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं देखने के लिए, खारदुंगला पे राइड करने के लिए। खारदुंगला एक अचीवमेंट है बोल सकते हो आप, तो वो पूरा करने के लिए लोग भारत के, इंडिया के हर एक कोने से आते हैं, जो पैशनेट है वो, और एज वेल एज जो फॉरेनर है, फॉरेनर ट्रैवलर भी बहुत सारे आते हैं खारदुंगला पे। तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, मज़ा आया। और बस जा रहे अप डाउन नुब्रा की ओर, नुब्रा वैली का एल्टीट्यूड 10,000 समथिंग है, जो कि हम लोग जहाँ जिस्पा पे रुके थे उसका भी 10,000 था, तो मतलब लगभग हम लोग आराम से पार कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू, आराम से पार कर सकते हैं। तो बस यही था, बर्फ़ नहीं था, क्यों, क्योंकि ये अगस्त का महीना है, तो अगस्त पे स्नोफॉल कम होता है, स्नोफॉल तो एक तरफ से अच्छा ही है, क्यों, क्योंकि बर्फ़ में थोड़ा बहुत रिस्की होता है और स्नो चेन लगाना पड़ता है, जो कि हमारे पास नहीं है। अब देसी जुगाड़ वही है, डोरी रस्सी बांधो चक्का पे फिर चलाओ, और उतना थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए बस था नहीं, हो गया आराम से। तो पुलिस चेक पोस्ट नॉर्थ पुल्लू, अच्छा यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है, तो परमिट चेक करेंगे नॉर्थ पुल्लू पे, और ये रहा। परमिट पर ले रहा हूँ, परमिट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो हम लोग ने खारदुंगला गया था टॉप, उसी का खारदुंग है, मतलब ये जगह है खारदुंग, जो खारदुंगला था वो खारदुंगला, मतलब खारदुंग पास, वो पास होके हम लोग आए थे, तो ये है खारदुंग बोल के जगह, जो कि पहाड़ के नीचे पे है, मतलब ऐसे पहाड़ के बीच पे वैली टाइप के है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा दिख रहा है खारदुंगला चैलेंज। अच्छा तो बस अच्छा सा व्यू है, मज़ा आ गया देख के। मैं जा रहा था तो यहाँ पे दिखा, देखिए मतलब अलग ही दुनिया बैठा हुआ है यहाँ पे, पूरा का पूरा डिफरेंट वाइब, मतलब देखिए ना, पूरा रेत वाले डेजर्ट के बीच पे हरियाली, एक ग्रीन कलर का पूरा गांव बैठा हुआ है छोटा सा, आदमी रहते कैसे यहाँ पे, मैं तो सोच में पड़ गया, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा। चलो आगे भी ध्यान देना है, बाइक चला रहे हैं। फाइनली वी मेड इट टू दीक्षित, 1 किलोमीटर है, मतलब
दीक्षित का अंदर पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। मेन दीक्षित का जो जगह है वो 1 किलोमीटर दिखा रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत सारे घर दिख रहे हैं हमको। तो फाइनली दीक्षित पहुंच चुके हैं, अभी होटल ढूंढना है कहाँ पे है। तो फाइनली डेजर्ट हिमालयन मिल गया, बहुत टाइम के बाद में। अरे डोंकी मिला, तो बहुत चक्कर काटने के बाद में मिल गया डेजर्ट हिमालयन। तो जाते डेजर्ट हिमालयन नुब्रा पे। नाम क्यों भी होता शेट्टी श्री। सो हेलो दोस्तों, एक मिनट। सो हेलो दोस्तों, फाइनली दीक्षित पे जो कि नुब्रा पड़ता है, नुब्रा का अंडर पे ही पड़ता है। सो यहाँ पे पहुँच गए। होटल ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब छोटा सा जगह पे बहुत सारे गलियाँ थे, तो इसीलिए ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो जैसे भी जैसे आ गया, कपड़ा वपड़ा चेंज करके फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज का प्लान है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, हमारे जो स्टे है वो टेंट पे है, पर टेंट जो है वो 5 स्टार वाला टेंट है, एकदम ही बढ़िया टेंट। ये देख सकते हो, ये जो ये वाली टेंट है, यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टेंट ही टेंट है। तो ये वाली टेंट पे मैं और भैया रुक रहा हूँ। यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा, मतलब क्या लग रहा है, गोल्फ कोर्ट होता है ना, बहुत बड़ा सा फैला हुआ, और सही कुछ नज़ारा है एकदम पूरा सा। देखिए आगे पे माउंटेन, डेजर्ट माउंटेन, और सामने में पूरा ग्रीनरी एकदम पूरा व्यू के साथ पे। और हाँ, तो स्टे बहुत ही बढ़िया होने वाला है यहाँ पे, प्रॉपर्टी भी बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। गाइस अभी बज रहे शाम के 3:38। तो मोनेस्ट्री जाने का प्लान है, मोनेस्ट्री। और यहाँ पे एक बुद्ध का मूर्ति है, स्टैचू है, जो कि ऊपर पे पहाड़ पे है, बहुत ही सुंदर दिखता है। उसका एक ड्रोन फुटेज लेना है, देगा नहीं देगा मुझे मालूम नहीं है, पर पूछ लेते एक बार। जगह माउंटेन का ऊपर पे ये जो बुद्ध का स्टैचू है वो है, और वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है जो कि पहाड़ के बीच पे है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस अभी मैं पूरा कपड़ा चेंज कर दिया, राइडिंग गियर्स नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर ठंडा नहीं है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है, मतलब ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, एकदम एवरेज टेम्परेचर है, तो चलेगा। शाम को थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होगा तो जैकेट पहन लेंगे। मैं फ्रेश हो चुका हूँ, भैया हो रहे हैं, तो होने के बाद मैं दो जन जाएंगे, बैग सब रख दिया है यहाँ पे, बस अब निकलना है। निकलने के बाद मैं ऊपर जाएंगे, चढ़ना है, शायद थोड़ा सा हाइक करना पड़े, क्योंकि पहाड़ियों पे तो जो भी चीज़ अच्छा चीज़ होता है वो ऊपर ही होता है, तो पैदल ही चल के जाना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर पे आप सभी से। जो आप वहाँ पे देख रहे हो, अच्छा हाँ, वही प्लेस पे जाना है अभी, मज़ा आएगा दोस्तों। मोनेस्ट्री पहुँचने वाले हैं, ऐसे देखिए बहुत ही सुंदर प्यारा सा दिख रहा है, ऊपर पे है, शायद चलना पड़े, नहीं मालूम, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एंट्री टिकट काटना पड़ेगा। दौड़ा उन्होंने पहुँचा सोदा ना, नहीं उड़ा सकते यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं नहीं थोड़ा सा अभी एकदम आएगा दिखने वाला, ड्रोन का सपना खत्म। ठीक है, थैंक यू। तो 106 फीट टॉल बुद्ध का स्टैचू, काश हमें ड्रोन उड़ाना देता, पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते, एंट्री में बोला गया है हम लोग को। तो ऊपर में फिर भी पूछ लेंगे एक बार, पर आशा तो नहीं है देंगे, फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। सो दीक्षित मोनेस्ट्री जो आप पीछे पे देख रहे हो, उसके ही अंदर पे एक बुद्ध का स्टैचू है जो कि 106 फीट लंबा है, वो मेरे पीछे भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये 106 फीट टॉल बुद्ध का स्टैचू है। तो टेंपल के क्लॉकवाइज राउंड करना पड़ता है। तो
करते हैं राउंड, एक राउंड करके उसके बाद में फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। बुद्ध का जो फ्रंट का व्यू है वो आपको दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत ही पीस है एक्चुअली यहाँ पे, मज़ा आता है वीडियो बनाने में। चलिए फ्रंट का व्यू दिखाते हैं आपको, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, ये देखिए फ्रंट का व्यू। तो दोस्तों दीक्षित मोनेस्ट्री है, सबसे टॉप में है हम लोग, मोनेस्ट्री का अंदर पे जा गया, जाके प्रेयर किया, सब कुछ कर लिया। और यहाँ पे जो यहाँ के गुम्बा के स्टूडेंट सब है उन्होंने चाय पीने के लिए बोला, तो बटर टी पिया हम लोग ने। तो बटर टी इतना टेस्टी था कि मतलब उसका हिसाब में तो सिक्किम को बटर टी कुछ भी नहीं है। और पीछे का जो व्यू है, जो मतलब स्टैचू है, बुद्ध स्टैचू जो कि आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा था वीडियो पे, बहुत ही प्यारा दिखता है व्यू, देखिए। तो समझ सकते हो हम लोग कितने हाइट पे है अभी, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे। दिस मोनेस्ट्री इज़ 14th century, उससे भी पहले का है बोल रहा है भैया, कि कोई बता नहीं सकता कि कितना पुराना है। तो बस अब नीचे जाएंगे। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है, अभी बज रहे 7:35 और आज हम लोग ये थे दीक्षित मोनेस्ट्री, और उसी के साइड पे बगल पे बुद्ध का स्टैचू नया बनाया हुआ है, वो भी देखे। अगर आपने इतना देर तक वीडियो देख चुका है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ये चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल। सी यू, गुड बाय।